अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बिजनेस टॉक्स में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। दो तीन रोज़ पहले की बात है, मैं अपने एक दोस्त के साथ कहीं जा रहा था, सफ़र पे था। थोड़ी सी भूख महसूस हुई, मैंने दोस्त को कहा, मैंने कहा यार भूख लगी है, किसी शहर में रुको खाना खाते हैं। तो उसने कहा यार नज़दीक ही एक पॉइंट है, वहाँ पे अच्छे कबाब मिलते हैं, तो कबाब खाते हैं। आया चलो देखते हैं। 5-7 मिनट की ड्राइव तकरीबन की होगी कि वो पॉइंट आ गया, रुक गए। सड़क के किनारे ही पॉइंट था, तो मुझे ना वो जगह बड़ी पसंद आई जहाँ पे वो बारबेक्यू सिस्टम उसने रखा हुआ था, कबाब शबाब वगैरह का। तो रोड के किनारे थी, 5-6-7-8 दरख्त लगे हुए थे, ठंडा मौसम हल्का हल्का हो रहा था, पानी वगैरह उसने छिड़का हुआ था, 2-3 उसने चारपाइयाँ लगाई हुई थी, 3-4 कुर्सियों के सेट लगाए हुए थे। तो बड़ा ज़बरदस्त सा माहौल ना, मुझे बड़ा मज़ा आया। बहरहाल बैठ गए, खाने का ऑर्डर दे दिया, कबाब भी बड़े ज़बरदस्त थे, लजीज खस्ता, बड़े मज़ा आया। प्रोग्राम यही था कि कोई 2-3-4 कबाब खाएंगे और उसके बाद जो है ना खाना किसी शहर में नज़दीक पहुंच के कोई खाएंगे, लेकिन वो इतने ज़बरदस्त कबाब थे कि हम दो बंदे जो है ना 8 कबाब खा गए। वो जो मालिक था ना, वो सामने काउंटर पे बैठा हुआ था, मेरी हिल्लत है मुझे कि मैं ऐसे ही ना थोड़ा चलता चलता उसके पास चला गया। थोड़ी बातचीत शुरू की मैंने, तो बस उधर साथ ही कुर्सी डाल के जो है ना मैं बैठ गया। तो मकसद यही था कि मैं उससे ना कुछ इन्फॉर्मेशन लूँ कि ये जो बिजनेस है ये इसने कैसे किया है, कितने पैसे इसने इन्वेस्ट किए हैं, क्या इस कारोबार की खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, कितने पैसे वो कमा लेता है। तो जो इन्फॉर्मेशन उससे मुझे मिली वो आज आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले जो मेरी उससे बात हुई कि यार ये सड़क के किनारे आपने ये क्यों बनाया, किसी शहर में क्यों नहीं बनाया, तो उसने बताया कि मेरे शहर के अंदर 2 ऑलरेडी पॉइंट्स चल रहे हैं, एक पे मेरा बड़ा बेटा बैठता है, एक पे मेरा छोटा बेटा बैठता है। तो बेसिकली काम हमने शहर से शुरू किया था और शहर में ये काम ज़्यादा चलता है, लेकिन ये चूंकि यहाँ से हैवी ट्रैफिक गुजरती है, लोगों का आना जाना ज़्यादा है, और जिस जगह पे मेरा पॉइंट है यहाँ पे हल्का सा मोड़ भी है, ट्रैफिक स्लो हो जाती है। फिर यहाँ पे दरख्त हैं, साया है, फिर मैंने ये 2-3 कमरे जो हैं ये भी डाले हैं, एक शेड बनाया है और उसने बनाया हुआ था। तो मैंने पूछा ये जो जगह है यहाँ पे क्या लोग रुकते हैं? उसने कहा कि दिन में तो कभी कभार कोई एक आध बंदा ही रुकता है, लेकिन उसके लिए मैंने ये तोड़ किया कि मैं यहाँ पे दूध की जो बोतलें हैं ना वो भी साथ बेचता हूँ, तो दूध पीने के लिए लोग दिन के वक्त ज़्यादा रुकते हैं। जैसे ही शाम होना शुरू होती है असर के बाद और इशा के बाद तक, और फिर सारी रात भी कहता कभी कभार लोग जो है ना यहाँ पे रुकते हैं, गाड़ियों वाले रुकते हैं, ट्रकों वाले रुकते हैं, समटाइम ऐसा होता है कि रात के वक्त बसेस वगैरह भी रुक जाती हैं, ज़्यादातर नमाज के वक्त पे यहाँ पे लोग रुक जाते हैं चूँकि रोशनी का इंतज़ाम ठीक होता है मेरा। तो सेल मैंने पूछा कितनी हो जाती है, तो उसने कहा जी इतनी हो जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि यार ये पॉइंट मैंने बना के यहाँ पे गलती की। तो मैंने कहा ये जो बिल्डिंग बनाई है तूने, 2 कमरे और एक शेड, इस पर कितना खर्चा हो गया? तो उसने कहा जी मेरा तकरीबन इस पर 2 लाख रुपया लगा है, उस पर उसने रंग शंग रोगन शोगन ठीक किया हुआ था, खूबसूरत जगह जो है ना बनाई हुई थी। तो मैंने कहा अच्छा 2 लाख रुपया तो आपका इस बिल्डिंग पे लग गया, ये एक छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक रिस्क है कि आप रोड के किनारे बनाया हुआ था। उसने कहा यार जगह अगर अच्छी है ना, ट्रैफिक गुजरती है और रुकती भी है, तो फिर ये कारोबार कहीं भी किया जा सकता है। तो 2 लाख रुपये उसने उस पर लगाया था। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये जो तेरा सेटअप है, ये बारबेक्यू वगैरह बनाने की जो ये है बनाई हुई जगह तूने, वो एक मेज टाइप एक बनाया हुआ था, उसके ऊपर वो एक ग्रिल रखी हुई थी, उसमें कोयले जल रहे थे, पीछे हल्का सा छोटा सा पंखा लगा हुआ था, वो हवा दे रहा था, कोयले उससे गर्म हो रहे थे, सीखें थी, सीखों के ऊपर कबाब लगे। मैंने कहा ये जो सेटअप है तेरा, इस पर कितना खर्चा है? तो उसने कहा कि ये जो स्टैंड है ना, ये बना बनाया मैंने 25,000 रुपये में लिया, जिसमें ये मेज़ भी शामिल है और मेज़ के ऊपर रखा हुआ ये वो जो है वो आतिशदान टाइप वो भी, और ये पंखा भी, ये सारी चीज़ें 25,000 रुपये में मुझे ये पड़ा, सीखें वगैरह शामिल पूरा सर। मैंने कहा यार ये तो माकूल इन्वेस्टमेंट है, कोई ज्यादा नहीं है? कहता हाँ जी बिल्कुल इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये 25,000 का है। तो फिर मैंने पूछा कि यार ये जो स्टाफ है आपका, ये लड़के, ये क्या किस सिस्टम है? उसने कहा जी मैंने एक कारीगर रखा हुआ है, कारीगर कबाब बनाता है, वो दिन के वक्त जोहर के बाद चिकन को मसाला लगा के रख देता है कीमे को, उसके बाद जब भी ग्राहक आता है बस उस मसाले को सीख पे चढ़ाना होता है,
आग दो चार पांच छह आठ कोयले हर वक्त जल रहे होते हैं, जब ज्यादा जरूरत महसूस होती है ये पंखा चला देते हैं, फौरन जो है ना सारी ये जो ग्रिल है ये शोलों से भर जाती है, कोयले जो है ना सारे आग पकड़ जाते हैं, तो इसके ऊपर सीखे जो है ना वो बनाते हैं। वो रेशमी कबाब बना रहा था चिकन वाले, वो ये अपना बना रहा था बीफ के कबाब बना रहा था, वो टिक्का बोटी बना रहा था, और उसने चिकन के जो लेग पीस और चेस्ट पीस है ना वो रखे हुए थे वो बना रहा था। तो मैंने पूछा ये कारीगर को कितनी तनख्वाह देते हो, उसने कहा ये कारीगर यहाँ मेरे पास ही रहता है, मुस्तकिल है, ये दूसरे शहर का है, कभी कभार ये छुट्टी भी चला जाता है, तो जब ये छुट्टी जाता है काम मैं खुद कर लेता हूँ, तो ये यहीं पे रहता है, अमूमन इसकी ड्यूटी जो है ना वो असर के बाद शुरू होती है, फिर रात को जब तक ये होटल चलता है 11 12 1 बजे तक ये ड्यूटी करता है, इसको मैं 15,000 रुपये सैलरी देता हूँ। मैंने कहा यार सैलरी तो माकूल है, 15,000 इतनी ज्यादा नहीं होगा जी। फिर उसने रखे हुए थे सामने दो वेटर्स, मैंने कहा जी ये जो दो वेटर है, उसने कहा जी एक तो मुस्तकिल हमारा वेटर है, इसका काम है ऑर्डर पकड़ना, खाना प्रोवाइड करना, पानी वगैरह देना, टेबलों की सफाई वगैरह करना, जो दूसरा है ना उस वो वेटर भी है और हमारे वो स्पेयर का काम भी करता है, जब एक बंदा छुट्टी पे होता है, मैं खुद छुट्टी पे हूँ, या कारीगर जो है वो छुट्टी पे हो, या ये एक वेटर छुट्टी पे हो, तो ये उसका मुतबादल भी है, और साथ में ये जो झाड़ू देना, पानी छिड़कना, बाजार से सौदा सलफ लेके आना, चारपाइयां बिछाना, कुर्सियां बिछाना, कुर्सियां समेटना, बर्तन धोना, ये बेसिकली इसकी जिम्मेदारी है। मैंने कहा जी इसको इनको कितने पैसे देते हो, उसने कहा जी जो बाकायदा वेटर है उसको मैं 10,000 रुपया देता हूँ, और जो स्टेपनी है यानी जो हेल्पर है उसको मैं 8,000 देता हूँ, और टिप जो है वो इसके अलावा होती है, ये इन्हीं की होती है, मैंने कभी नहीं ली, ये तीनों आपस में बांट लेते हैं। अब 25,000 रुपया उसका वो यानी पूरा स्टैंड सेटअप, 15,000 रुपया सैलरी माहाना कारीगर की, 18,000 रुपया दो लड़कों की सैलरी, यानी सैलरी महीने बाद देनी है आपने, कमा के देनी है, इन्वेस्टमेंट क्या है वो 25,000 रुपया। अगर आप या आप में से कोई दोस्त कारोबार ये करना चाहता है या जहन है उस कारोबार करने का, तो लाजमी नहीं कि उस शख्स की तरह आप सड़क के किनारे ही जाके सेटअप लगाएं, आप किसी शहर के अंदर दुकान किराए पर ले सकते हैं, छोटी दुकान ले लें, दुकान इतनी हो कि सर्दियों के अंदर कम से कम अंदर चार कुर्सियां मेज के सेट लग सकें, और गर्मियों के अंदर वो कुर्सियों के सेट बाहर लग जाएं, और वो जो है अपना सामान जो है वो दुकान के अंदर आ जाए, तो गर्मियों सर्दियों दोनों में चलने वाला कारोबार है। अमूमन शाम के वक्त असर के बाद ये सेटअप स्टार्ट होना शुरू होते हैं और रात को देर तक लेट तक जो है ना वो खुले रहते हैं। अच्छा, तो फिर मैंने पूछा ये कुर्सियां और ये चारपाइयां वगैरह इस पे आपके कितने पैसे लगे, उसने कहा ये सारी चीजें मेरी 25,000 रुपए की आई, जिसमें 15,000 रुपए की जो है ना मेरी कुर्सियां मेज के सेट आए और 10,000 की मैंने तीन चार पाइयां बनवाई, तो ये मेरा यानी 25,000 उसका वो मेज वगैरह का सेटअप और 25,000 की मेज कुर्सियां, टोटल हो गए 50,000 रुपए। बिजली का कनेक्शन उसमें कहा बिजली तो लाइट के लिए चाहिए या पंखों के लिए चाहिए, इसके ज्यादा तो नहीं चाहिए, पंखे उसने तीन रखे हुए थे फर्शी जो गेड़े पे होते हैं, अगर 5,000 रुपए का भी पंखा हम लगा लें अच्छे वाला, तो तीन पंखे 15,000 रुपए के, टोटल इन्वेस्टमेंट इस हिसाब से बनती है 65,000 रुपया। अब बात करते हैं चिकन की, चिकन और बीफ ये तो आपने उतना ही लेना है जितना आपको जरूरत है, जितना आपका कंज्यूम हो जाता है, चिकन 130 140 रुपए आजकल चल रहा है, वैसे 160 70 80 90 200 तक जो होता है, कभी कभार 200 से ऊपर भी जाता है लेकिन मोस्टली 200 से नीचे ही रहता है। तो चिकन है कबाब जो है वो उसने हमें 60 रुपए के हिसाब से एक कबाब दिया, तो एक कबाब में कितना गोश्त लग जाता है, यानी अगर 103 कबाब भी बनाए 1 किलो के तो बहुत ज्यादा होते हैं, यानी 1 किलो के अंदर मैं ये समझता हूं कि शायद 10 कबाब बन जाते हैं, अगर 10 कबाब बनते हैं 1 केजी में और 60 रुपए का कबाब देते हैं तो 600 रुपए का है, लेकिन चिकन का रेट अगर 150 रुपया लगाया जाए, मसाला जात मजदूरी सब कुछ मिला के 50 रुपए और ऐड कर दिए जाए तो 200 रुपया एक्सपेंस है, और 600 रुपए के वो सेल करते हैं, यानी 400 रुपया बचता है, 400 रुपया बचता है, अगर उसका 5 किलो चिकन लगता है तो 2,000 रुपया उसे बचा, 500 रुपया टोटल एक्सपेंसिस की मद में, वैसे तो हम 50 रुपए ऐड कर चुके हैं कबाबों पर फिर भी निकाल देते हैं कि यार थोड़ा से जो है ना पैसे और एक्सपेंसेस की मद में निकाल दें, तो कितना पैसा बचता है, इतना पैसा बच जाता है कि यार कोई और काम करने की जरूरत नहीं। हाँ अगर इसी के साथ देखिए, आप कबाब तो बना ही रहे हैं, नान भी साथ दे रहे हैं, जाहिर है खाने के लिए नान भी देते हैं, अगर इसी के साथ आप एक छोटा सा सेटअप और ऐड कर लें कि चिकन कबाब के साथ आप चिकन कढ़ाई या बीफ कढ़ाई या मटन कढ़ाई ऐड कर लें, और साथ में सलाद वगैरह और रोटी या नान का बंदोबस्त कर लें, तो ये सेटअप और अच्छा हो जाएगा,
मैं नहीं समझता कि इस सेटअप को जितना भी खींच तान के एक्सपेंस कर लिया जाए, बिल्डिंग अगर निकाल दी जाए तो 1 लाख रुपए में ये बिजनेस कहीं भी शुरू किया जा सकता है और बहुत अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। पाकिस्तान और इंडिया वो वाहिद मुल्क है जहां पे सबसे ज्यादा पैसे खाना खाने पे खर्च होते हैं। आप खुद अपना देख लें, अगर आपकी सैलरी मिसाल के तौर पे एवरेज 25,000 रुपया है, मिसाल के तौर पे, हो सकता है आपकी सैलरी इससे बहुत ज्यादा हो सकता है इससे कम हो, अगर 25,000 रुपया है तो 25,000 रुपए में खाने पे कितने पैसे लगते हैं आपके अपने, आपके घर के टोटल अखराजात को जब आप काउंट करेंगे तो 25,000 में से 15,000 रुपया खाने का है। उसके खाने में रोटी भी आ जाती है, सालन भी आ जाती है, सब्जी, गोश्त, चावल, दूध, दही, हर चीज को मिलाएं। आप हिसाब करके देख लीजिएगा, किसी भी घर का जो सबसे मेन एक्सपेंस है वो खाने का ही होता है। हम लोग खाने के एक तो शौकीन है, एक तो हमारी मजबूरी है, दूसरा हम शौकीन है, और तीसरा ये कि हमारे मुल्क में गिज़ा महंगी भी है, अच्छी खुराक तो और महंगी है। तो ये खाने का कोई भी कारोबार है, हाँ किसी भी किस्म के खाने का कारोबार है, कभी भी फ्लॉप हो ही नहीं सकता। अगर आपने क्वालिटी, क्वांटिटी और रेट पे कंप्रोमाइज नहीं किया तो ये बिजनेस बल्ले बल्ले है। दोस्तों इस टॉपिक को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, यहीं पे क्लोज करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई क्यूरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है या मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस हासिल करने के लिए ये नीचे सुरख कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है इसको दबाना मत भूलिए। जैसे ही आप ये बटन दबाएंगे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वसूल हो जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा, शाहिद हुसैन जोया, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।